साई न्यूज, मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज सोनाली स्पेशल में। आप सभी यहाँ पर जान ही गए कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बॉलीवुड दीवा सोनाली बेंद्रे को लेकर। सोनाली बेंद्रे जो इन दिनों न्यूयॉर्क में कैंसर की जंग से लड़ती दिखाई दे रही हैं, हर कोई यहाँ पर सोनाली के लिए दुआएं भी कर रहा है कि सोनाली बेहद ही जल्द ठीक होके इंडिया वापिस लौट आए। वहीं दूसरी तरफ जहां हर कोई जानता है कि देश भर में इन दिनों गणपति बप्पा की धूम मची हुई है, यानी कि गणेश चतुर्थी की धूम हर जगह देखी जा रही है, चाहे वो आम इंसान हो या फिर कोई बॉलीवुड सितारा, और खास तौर पर बॉलीवुड में या फिर यूं कहें कि मुंबई में इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से भी मनाया जाता है। और हर साल सोनाली बेंद्रे भी इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम तरीके से सेलिब्रेट करती थी, मगर अफसोस इस साल वो मुंबई में है नहीं, न्यूयॉर्क में है। तो उन्होंने न्यूयॉर्क से एक तस्वीर को शेयर किया है जिसमें उनके बेटे रणवीर दिखाई दे रहे हैं, जहां पे वो गणपति बप्पा की पूजा कर रहे हैं। साथ ही साथ सोनाली ने बेहद ही इमोशनल कर देने वाला पोस्ट भी लिखा है। क्या वो पोस्ट है आप जानेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि देखा जा रहा है कि सोनाली बेंद्रे जो है बैक टू बैक उनकी जो जितनी भी तमाम तस्वीरें आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी तबीयत अब ठीक होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि सोनाली बेंद्रे जो है उनके साथ कीमोथेरेपी प्रोसेस हो रहा है, जहां पर कैंसर में अक्सर ही कीमोथेरेपी प्रोसेस भी होता है, और वहीं पर कीमोथेरेपी प्रोसेस के तमाम स्टेजेस होते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब सोनाली बेंद्रे थर्ड स्टेज पर आ गई हैं। क्या उनकी करंट सिचुएशन है, क्या कुछ उनका कहना है गणेश चतुर्थी के मौके पर, आप देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। पूरा देश इन दिनों गणेश उत्सव के रंग में रंगा हुआ है, खासकर माया नगरी मुंबई। बॉलीवुड सितारों से लेकर आम इंसान इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम अंदाज से मनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच कैंसर की जंग से जंग लड़ रही अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी तस्वीर को शेयर किया जिसे मानो पढ़ के हर कोई उनकी आंखें नम हो गई। हर कोई यही कहता दिखा कि सोनाली तुम बेहद ही जल्द ठीक हो जाओगी। हर कोई ये जानता है कि सोनाली बेंद्रे इन दिनों न्यूयॉर्क में कैंसर से अपनी जंग को लड़ रही हैं, जहां से आए दिन वो अपने कुछ तस्वीरों को शेयर करती हैं जो तमाम चीजें तमाम इंस्पिरेशन के तौर पे भी सामने आ रही है। जी हाँ, हर कोई सोनाली बेंद्रे के लिए दुआएं कर रहा है, हर कोई ये कहता है कि सोनाली तुम बेहद जल्द ठीक हो जाओगी। यानी कि सोनाली जिस अंदाज में अपनी कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रही है वो वाकई ही काबिलियत तारीफ भी है। और आए दिन सोनाली जब भी अपनी तस्वीरों को शेयर करती है तो मानो फैंस भी काफी ज्यादा उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि फैंस जानना चाहते हैं कि क्या हाल है सोनाली बेंद्रे का, किस तरह से उनका क्या कुछ चल रहा है। तो इसी बीच गणेश उत्सव की धूम मची है, जहां पर हर साल सोनाली बेंद्रे भी इस त्योहार को सेलिब्रेट करती दिखाई देती थी, मगर अफसोस इस बारी वो इस त्योहार को सेलिब्रेट नहीं कर पा रही है। तो इसी बीच उन्होंने फैंस के साथ अपनी एक तस्वीर को शेयर किया जिसमें उस तस्वीर में वो खुद नहीं बल्कि उनके बेटे दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, जहाँ वो भगवान के आगे आरती करते हुए भी दिखाई दिए। और इसी बीच सोनाली बेंद्रे ने कैप्शन दिया है, गणेश चतुर्थी हैज ऑलवेज बीइंग वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट, मिसिंग द सेलिब्रेशन बैक होम बट स्टिल फीलिंग ब्लेस्ड, हैव अ हैप्पी वन, फिल द ब्लेसिंग लव एंड जॉय। कहीं ना कहीं सोनाली बेंद्रे का ये दर्द उनके इस मैसेज में साफ देखने को मिला। जिस तरह से वो इस त्योहार को मिस कर रही हैं, जिस तरह से वो अपने बेटे को मिस कर रही हैं, वो वाकई ही हर माँ के लिए हर इंसान के लिए काफी ही गमगीन है। जी हाँ, आपको बता दें कि सोनाली बेंद्रे बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस के तौर पे सामने आई हैं जिन्होंने फैंस से अपनी हर चीज को खुद से साझा किया, यानी कि फैंस को किसी और के थ्रू सोनाली की कोई जानकारी नहीं मिल रही। सोनाली बेंद्रे खुद ही अपने फैंस से कनेक्ट है, क्योंकि वो जानती है कि जिस तरह का फैंस के थ्रू उन्हें प्यार मिल रहा है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो वो चाहती है कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो कौन सी स्टेज पर है, क्या कुछ चल रहा है,
वो सारी जानकारी खुद शेयर करें। ये देखा भी गया कि जब सोनाली बेंद्रे का कैंसर निकला तब अक्सर ही सितारों की जिंदगी के बारे में सूत्रों से पता चलता है, मगर सोनाली बेंद्रे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद इस बात की जानकारी को साझा किया। जी हाँ, जहां पर सोनाली बेंद्रे ने जब अपने इस बीमारी के बारे में फैंस से शेयर किया तब हर कोई हैरान रह गया। बॉलीवुड से लेकर तमाम तरह के उनके फैंस भी हैरान रह गए, क्योंकि सोनाली अपने आप को फिट रखने के लिए वाकई ही काफी मेहनत भी करती थी। मगर कहते हैं कि तमाम चीजें आपकी जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आती हैं वो ऊपर वाला पहले से ही लिख कर भेजता है। शायद ये तमाम चीजें भी, ये तमाम उनको जो तकलीफ हो रही है वो पहले से भगवान ने लिख कर भेजी थी, मगर उनके लिए हर कोई दुआ कर रहा है। आप बता दें कि सोनाली बेंद्रे इन दिनों कीमोथेरेपी प्रोसेस से गुजर रही हैं। जी हाँ, कीमोथेरेपी प्रोसेस के 6 स्टेजेस होते हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि सोनाली बेंद्रे इन दिनों 3rd स्टेज पर है। मानो कहीं ना कहीं सोनाली बेंद्रे जो है जिस तरह से 3rd स्टेज पर है और जिस तरह से उनकी तस्वीरें सामने आती हैं, जो इनका नया बाल्ड लुक आया है उसे लेकर वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। जिस तरह से वो पॉजिटिविटी से अपनी इस जंग से लड़ रही हैं, वो आगे ही पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन के सामने आई है। जिस तरह से वो इतनी पॉजिटिव है अपनी चीजों को लेकर कि वो बेहद जल्द ठीक हो जाएंगी, तो विश्वास इंसान को क्या से क्या करवा देता है। हम तो यही आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप इसी तरह अपना प्यार सोनाली के लिए भेजते रहें, ताकि वो बेहद ही जल्द ठीक होके न्यूयॉर्क से इंडिया वापस लौट आए। सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा सोनाली स्पेशल में, जहां हमने बात की सोनाली बेंद्रे को लेकर, और वहीं गणपति बप्पा यानी कि गणेश चतुर्थी को लेकर भी, जहां पर बॉलीवुड का हर एक सितारा बड़े ही धूमधाम तरीके से गणेश चतुर्थी को मनाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कैंसर से जंग लड़ रही सोनाली बेंद्रे भी काफी ज्यादा दुखी और इमोशनल होती दिखाई दी। जहां पर उनके बेटे की एक तस्वीर को उन्होंने शेयर किया तो वहीं उन्होंने लिखा कि तुम हमेशा खुश रहो, अफसोस है कि मैं इस बारी गणेश चतुर्थी नहीं मना पा रही, मगर अगले साल मैं इसको बड़े ही धूमधाम से जरूर मनाऊंगी। कहीं ना कहीं सोनाली बेंद्रे भी जहां पर अपने बेटे से दूर हैं, तो वो अपने बेटे को भी काफी ज्यादा मिस कर रही हैं। वहीं आपने जाना कि क्या कुछ करंट सिचुएशन सोनाली बेंद्रे के साथ न्यूयॉर्क में भी हो रही है। वहीं कीमोथेरेपी प्रोसेस चल रहा है और कीमोथेरेपी के 3rd स्टेज पे सोनाली बेंद्रे आ चुकी है। आपको बता दें, सोनाली से मुलाकात करने के लिए बॉलीवुड सितारे और साथ ही साथ उनके तमाम दोस्त भी न्यूयॉर्क जा पहुंचे थे, जहां पर ऋतिक की एक्स पत्नी यानी कि सुजैन, जो सोनाली की बेस्ट फ्रेंड कहलाई जाती है, उन्हें हाल ही में भी देखा गया था, जहां पे वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए गई थी। वाकई ही काबिलियत तारीफ है कि जिस तरह से सोनाली बेंद्रे अपनी इतनी बड़ी और खतरनाक बीमारी से जंग लड़ रही हैं, हर किसी के लिए ये एक इंस्पिरेशन के तौर पे भी सामने आई है। और उम्मीद है और आप सभी से दरख्वास्त भी कि आप इसी तरह सोनाली के लिए अपना प्यार और अपनी दुआएं भेजते रहें, और वो दिन दूर नहीं जब वो न्यूयॉर्क से
इंडिया वापस ठीक होकर आएंगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।